गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हम जनरली क्या कहेंगे, SHF। तो इससे पहले कि अपन ये समझें कि सरल आवर्त गति क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, उससे पहले सबसे पहले अपन यहाँ पे सीखते हैं आवर्ति गति यानी कि पीरियोडिक मोशन, राइट। एक किसी भी कण की या किसी वस्तु की ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाए, राइट। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, रोज घर जाता हूँ, रोज उसी निश्चित समय पे वापस इंस्टीट्यूट आता हूँ, फिर पूरे दिन पढ़ाता हूँ, फिर वापस उस टाइम पे घर चला जाता हूँ, फिर नेक्स्ट डे वापस सुबह 7:30 बजे यहाँ पे आ जाता हूँ। यानी कि मेरी गति बारंबार लगातार निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जा रही है, तो मेरी गति भी क्या हो गई, आवर्ती गति हो गई। चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा कर लेता है। तो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर गति भी कैसी गति है, आवर्ती गति है। यानी कि वर्तुल गति भी एक आवर्ती गति है। पृथ्वी का स्वयं की अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करना, पृथ्वी क्या करती है, दिन रात क्यों बनते हैं, पृथ्वी के स्वयं के घूर्णन के कारण। और पृथ्वी कैसे घूर्णन करती है, प्रत्येक 24 घंटे में घूर्णन करती है, ये सुनो, एक चक्कर पूरा 24 घंटे में पूर्ण करती है। यानी कि पृथ्वी के घूर्णन में भी समान गति को बारंबार समान समय अंतराल बाद दोहराया जा रहा है, हाँ या ना, इसलिए हर 24 घंटे बाद सुबह हो जाती है, ये सुनो। तो ये सभी गतियां पेंडुलम की गति, पेंडुलम की गति की बात करो, ये एक पेंडुलम है, इसको आपने इधर ले जाके छोड़ दिया, ये ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर वापस आ जाएगा। यानी कि इसकी गति बारंबार समान समय अंतराल बाद दोहराई जा रही, तो ये भी कैसी गति है, आवर्ती गति है। तो इस आवर्ती गति को मैं तीन भागों में बांटता हूं, ये पहली वर्तुल गति, वर्तुल गति भी कौन सी, नियत वर्तुल गति, नियत वर्तुल गति कैसी गति है, एक आवर्त गति है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ पीरियडिक मोशन। सेकंड कौन सी है, घूर्णन गति, घूर्णन गति भी कैसी है, घूर्णन गति यानी कि रोटेशन मोशन भी कैसी गति है, आवर्ती गति है। और तीसरी दोलन गति, दोलन गति भी कैसी, दोलन गति को क्या बोलते हैं, ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। ये तीनों कैसी गतियां हैं, आवर्ती गति। या वर्तुल गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम पहले ही चैप्टर एक पढ़ चुके हैं, घूर्णन गति ये भी पहले चैप्टर पढ़ा जा चुका है, और अभी जो हमें चैप्टर बात करनी है उस चैप्टर में किस बारे में बात करेंगे, दोलन गति के बारे में बात करेंगे, राइट। तो अब बात की जाए दोलन गति की। देखो जी, मैंने आवर्ती गति क्यों पढ़ाई, क्यों मैं यहां पे वर्तुल गति की बात कर रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर इस दोलन गति को समझने के लिए वर्तुल गति के कुछ कॉन्सेप्ट काम आएंगे, राइट। इसलिए अपन यहां पे ये बात कर रहे हैं, दोलन गति, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द इर्द गिर्द इर्द गिर्द गति करे, तो कण की ऐसी गति को दोलन गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, राइट। किसी कण की माध्य स्थिति के इर्द गिर्द गति दोलन गति कहलाती है। दोलन गति भी एक प्रकार का आवर्ती गति है। अब हम इस दोलन गति को थोड़े बारे में थोड़ा सा और बात करें, ये बताएं कि ऐसी क्या चीज है जिसके बिना दोलन गति संभव ही नहीं है, ऐसी क्या चीज है जो ना हो तो दोलन गति नहीं होगी, बोलो। देखो करते हैं, ये एक सिंपल पेंडुलम है, राइट। एम द्रव्यमान की वस्तु लटकी हुई है, एल लंबाई का धागा है, इसको मैंने यहां ले जाके छोड़ दिया, राइट। ये यहां से यहां आ गया, इस पे नीचे की तरफ क्या लगेगा इसका, एम जी। इस एंगल को अगर थीटा माना जाए तो ये एंगल भी थीटा होगा, एम जी का इस तरफ कॉम्पोनेंट कितना हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। और ये mg cos theta इस रस्सी में या इस धागे में तनाव द्वारा क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। और दूसरा फोर्स कहां लगेगा, इस mg का दूसरा घटक कहां लगेगा, उसके लंबवत यानी कि इस तरफ
कितना एम जी साइन थीटा, राइट। अब समझो आप मेरी बात को, ये जो एम जी कॉस थीटा है ये टेंशन द्वारा संतुलित हो गया, और ये एम जी साइन थीटा जो है इसको कोई संतुलित करने वाला नहीं है। ये वाला वो जो फोर्स, ये जो फोर्स है, ये फोर्स इस वस्तु को वापस इसकी माध्यस्थिति तक लाएगा, तभी दोलन गति संभव होगी। फिर से समझो, ये एम द्रव्यमान की वस्तु है, इस पे एक बल लग रहा है, कौन सा, एम जी साइन थीटा। इस एम जी साइन थीटा के प्रभाव में, इस बल के प्रभाव में ये क्या होगा, यहां तक आते आते त्वरित गति करेगा, त्वरित गति करेगा तो यहां तक आते आते ये कुछ वेग प्राप्त कर लेगा, और वेग प्राप्त कर लेगा तो ये क्या रुक जाएगा क्या, नहीं, ये क्या करेगा, इस स्थिति को क्रॉस करके ये इस तरफ जाएगा, और जब ये इधर जाएगा तो एम जी लगेगा नीचे, वेट का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इधर फिर से क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और ये एम जी साइन थीटा इसको वापस क्या लेके आएगा, माध्यस्थिति पर लौटा कर लाएगा। यस और नो, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर अगर ये जो माध्यस्थिति की तरफ एक फोर्स लग रहा है, एक बल जो लग रहा है, अगर ये बल ना हो तो क्या ये दोलन गति संभव है, नहीं। इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को कहते हैं प्रत्यानयन बल। इस बल को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल, यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, राइट। ये इस प्रत्यानयन बल के बिना इस पेंडुलम की दोलन गति संभव नहीं है। वापस से बोलता हूं, एक ऐसा बल जब तक उस वस्तु पर जो दोलन गति करनी है उस पर माध्य स्थिति की तरफ एक बल नहीं लगेगा, जो उस वस्तु को पुनः माध्य स्थिति पर लेकर आए, तब तक दोलन गति संभव नहीं है। मान लीजिए इस पेंडुलम को मैं यहां ले जाता और यहां ले जाके छोड़ देता, और अगर गुरुत्वाकर्षण ना लग रहा होता तो क्या ये एम डी साइन थीटा लगता, नहीं। एम डी साइन थीटा नहीं लगता तो क्या ये इस तरफ गति करता, नहीं। हाँ या ना, तो कौन है प्रत्यानयन बल, दोलन कर रही वस्तु पर कार्यरत वह बल जो उस वस्तु को पुनः माध्य स्थिति पर लाए, जो उस वस्तु को पुनः माध्य स्थिति पर लाने का कार्य करे, उसे प्रत्यानयन बल कहते हैं, ठीक है जी। तो प्रत्यानयन बल पहली बात हमेशा कहां लगता है, माध्य स्थिति की और कार्य करता है, राइट। दूसरी बात, इस प्रत्यानयन बल की बात अगर मैं करूं तो विस्थापन अपने की दिया दिया था इस तरफ, और बल किधर लगा, इस तरफ। जब ये इस तरफ विस्थापित हुआ तो बल कहां लगा, इस तरफ, यानी कि प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव विस्थापन के विपरीत होती है। तो प्रत्यानयन बल है तो दोलन गति होगी, प्रत्यानयन बल नहीं है तो दोलन गति नहीं होगी। तो किसी भी कण की दोलन गति के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो अगर है तो वो कौन है, प्रत्यानयन बल है। बिना प्रत्यानयन बल के दोलन गति संभव नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि इस प्रत्यानयन बल का मान वस्तु के माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती हो, प्रत्यानयन बल यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, इसको लिख रहा हूं एफ आर से, यदि यह प्रत्यानयन बल किसी वस्तु की माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती हो, और माइनस चिन्ह क्यों लगाया आपने, क्योंकि विस्थापन एक दिशा में और कार्यरत प्रत्यानयन बल विपरीत दिशा में, तो प्रत्यानयन बल विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, इसलिए यहां पे एक माइनस साइन लगा हुआ है। और अगर प्रत्यानयन बल सिर्फ और सिर्फ विस्थापन की सिंगल पावर के समानुपाती हो तो ऐसी दोलन गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। बोलिए बात समझ में आई क्या, ऐसी दोलन गति जिसमें वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल उस वस्तु के विस्थापन के ऋणात्मक मान के समानुपाती हो, ऐसी दोलन गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। और ये दोलन गति का सबसे सिंपल यानी कि सरलतम केस है, इसलिए इसको सरल आवर्त गति कह रहे हैं। बोलिए बात समझ में आई क्या, ओके। तो अब हमें यहां पर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करनी है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति, जिसको आप किससे लिखेंगे, अब SHM से, ठीक है। तो सरल आवर्त गति की परिभाषा क्या हुई, ऐसी दोलन गति
जिसमें दोलन कर रही वस्तु पर कार्यरत प्रत्यानयन बल का मान वस्तु के माध्य स्थिति से विस्थापन के ऋणात्मक मान के सीधे समानुपाती हो, तो ऐसी दोलन गति को सरलावर्त गति कहते हैं। राइट, अब हम यहां पे बात करेंगे सरलावर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की अवकल समीकरण। क्या सीखा जी आपने? आपने कहा कि बल यानी कि प्रत्यानयन बल समानुपाती माइनस में एक्स, समानुपाती चिन्ह अगर हटाएंगे तो यहां पे क्या लगेगा? एक कांस्टेंट, तो आपने लगाया एफ आर इक्वल्स टू माइनस का के एक्स, जहां इस के को बोला जाता है या तो बल नियतांक, सिर्फ बल नियतांक कह दो, या आप इसको कह सकते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक, या क्या कह सकते हैं? प्रत्यानयन बल नियतांक। राइट, ओके। अब इस प्रत्यानयन बल को आप क्या लिख सकते हैं? द्रव्यमान गुणा त्वरण बराबर माइनस का के एक्स, तो त्वरण बराबर कितना आ जाएगा? माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। इस त्वरण को आप क्या लिख सकते हैं? डीवी अपॉन डीटी लिख सकते हैं क्या? त्वरण को वेग में परिवर्तन की दर इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स। अब इसको आगे और लिख रहा हूं डी अपॉन डीटी, क्या वेग को ऐसे लिखा जा सकता है? डी एक्स अपॉन डीटी, स्थिति में परिवर्तन की दर यस, इक्वल्स टू माइनस का के अपॉन एम इंटू एक्स है ना, स्थिति का समय के सापेक्ष एक बार अवकलन और फिर से अवकलन, यानी कि स्थिति का समय के सापेक्ष दो बार अवकलन, इसको लिखा जाता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू, स्थिति का समय के सापेक्ष द्विघाती अवकलन, इसको उधर ले आओ के अपॉन एम इंटू एक्स इक्वल्स टू जीरो। बोली बात क्लियर है? इसको हम कहते हैं सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण, अवकल समीकरण। ठीक है जी, इस अवकल समीकरण को एक और तरीके से लिखा जा सकता है डी टू एक्स अपॉन डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ये बिल्कुल ऐसी समीकरण है, बस यहां पे मैंने के अपॉन एम की जगह ओमेगा स्क्वायर लिखा है। क्यों लिखा है अभी पता नहीं है, आगे पता पड़ेगा, पता पड़ते ही सबसे पहले आप ही को बताऊंगा। राइट, तो यहां पे जो ओमेगा स्क्वायर है उसको क्या लिख सकते हैं? के अपॉन एम के बराबर लिख सकते हैं, जहां ये जो ओमेगा है, ओमेगा को सरलावर्त गति के लिए क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। क्या बोलते हैं? कोणीय आवृत्ति। क्यों बोलते हैं ये भी नहीं पता, ओमेगा कौन है ये भी नहीं पता, कहां से आया नहीं पता, जब पता पड़ेगा सबसे पहले आप ही को ये बात बताई जाएगी। बात क्लियर है क्या? ओके।